एक बात जरूर कहनी है, जब वो लौट कर आए तो जरा देश की समस्याओं की ओर भी देख लें। भयंकर सूखा पड़ा है, ऐसे समय में डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इस समय हालात ये हैं कि कई प्रदेशों में, उन्हीं के शासित महाराष्ट्र में खडसे कांड हो रहा है, व्यापम कांड हो रहा है, जरा जनता के हित की भी लौट कर सोचें, यही हमारी उनसे अपेक्षा है। भ्रष्टाचार कम नहीं, समाप्त हो गया है भ्रष्टाचार। आप देखिए कांग्रेस के समय का देखेंगे तो आप व्हाट्सएप अगर ग्रुप पे हो तो उसी में आप देखिए, आप स्क्रॉल करते करते आपका थंब दुख जाएगा। लेकिन वो भ्रष्टाचार के 2G 3G कोयला कौन से घोटाले थे, आप देखिए 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा इस सरकार के समय में नहीं आया है, बल्कि देश की छवि उभर कर आई है और मोदी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं और देश के जो विश्व के 10 प्रमुख नेताओं में नवा स्थान आज हमारे विश्व के जो नेताओं में मोदी जी का है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा सामने नहीं आया और हमारी सरकार ने जनता के विकास के लिए और जनता के हित के लिए बहुत से कार्य किए हैं। मोदी जी तो जगह जगह देशों में एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, विदेशों में जाके और वहीं से, तो ये किससे प्रभावित, कौन किससे प्रभावित है? ये ऐसा लगता है जैसे देश में प्रधानमंत्री कम रह रहे हैं और विदेशों में ज्यादा रह रहे हैं। दरअसल मुद्दा ब्लैक मनी को लेकर अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार पर तो बात हुई, लेकिन ब्लैक मनी देश के बाहर और देश के अंदर क्या, इसको भी लेकर बात की जानी चाहिए। और मोदी ने किस ब्लैक मनी का जिक्र किया था, पहले उसकी बात, एक आईटी सर्वे है उसका जिक्र करना चाहूंगा, जिसके मुताबिक 2011-12 में देश में 6,572 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का फ्लो देखा गया, लेकिन 2012-13 में ये फ्लो बढ़कर 19,337 करोड़ रुपए हो जाता है, जो कि 13-14 जो चुनावी साल था उसकी बात की जाए तो 90,390 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। सूरज सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपके मोदी में इस बात को लेकर भरोसा है कि देश के भीतर और देश के बाहर दोनों जगह पर ब्लैक मनी का फ्लो जो है उसको लेकर कंट्रोल किया गया, और अब पहले किस पर काम करेंगे, बाहर से लाएंगे या भीतर वाली को निकालेंगे? देखिए अश्विनी जी, जिस तरीके से पहले भी मैं बता रहा था कि आज केवल अपन पॉलिटिकल चश्मे को छोड़ करके और बाहर निकलते हैं, वह आम आदमी जिसने मोदी जी में नेतृत्व में विश्वास जताया था, उनको वोट किया था, आज भी उनको जिस तरीके से जो अभियान चले, आज आप एक स्वच्छता अभियान को देख लीजिए, आज किस दौरे में देश गुजर रहा था, तो पैसों की बात कीजिए। और जब मोदी जी खड़े होते हैं तो लोगों को एक मोरल सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। उसके बाद में आप बात करें कि मैं उस मोरल सपोर्ट के पीछे की वजह जानना चाहता हूं कि अंदर का पैसा है, काले धन की बात करें, आप काले धन की बात करें, जिस गली में जिस मोहल्ले में रहते हो वहां की सफाई है क्या? तो देश साफ। मैं मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए सुरेश जी, मुद्दा डाइवर्ट मत कीजिए सुरेश जी। आपको लगता है कि देश के भीतर का पैसा निकाला जाएगा पहले या फिर बाहर वाला पैसा लेके आएंगे? देखो साहब, देश के अंदर काला धन अगर विदेश में है तो एक भारतीय नागरिक के नाते मैं कहता हूं, पार्टी के नेता के नाते मैं कहता हूं, काला धन आना चाहिए और देश में भी जो काला धन है वो बाहर निकलना चाहिए। लेकिन काले धन के चौकीदार ही काले बन गए तो धन बाहर निकलेगा कहां से? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के चारों तरफ देखो कि जो बड़े व्यापारी जो बैठे हैं, चाहे अडानी जी हो चाहे अंबानी जी हो, वो तो आपकी सरकार, अरे छोड़ो ना, हमारी सरकार के आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मीठा मिलना था, बच्चे थे जो आपके अनुकूल बैठे हुए लोग थे, वो सबसे अच्छे लोग थे देश के, और जब आज मोदी जी के सामने आपको दिखाई देते हैं पार्टी के बाहर भेज दिया, आपके जो आदमी है ना आप भेजते ही नहीं है। पंकज जी आपका रुख करना चाहता हूँ। 2015 में दाओस में जो स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री है उली माउरर, उनसे मुलाकात हुई अरुण जेटली की, उस दौरान इस बात का जिक्र किया गया कि ब्लैक मनी को लेकर स्विट्जरलैंड पूरी तरह से भारत सरकार की मदद करेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्विस पीपल्स पार्टी अब इस मोर्चे पर, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, भारत की बीजेपी सरकार की मदद करना चाहती है,
देखिए मदद कर रही है। जनवरी से आपने देखा कि जनवरी के अंदर जो फाइनेंस सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई जो उसमें हुई जिसमें जो स्विट्जरलैंड के लोग आए उसमें लगातार इस चीज़ की बात हुई कि जो है ब्लैक मनी किसी भी रूप में चाहे किसी भी देश के रूप में हो ये जो है इनकी जो चीज़ें हैं वो साझा होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन साझा होनी चाहिए और ब्लैक मनी किसी भी देश के लिए ठीक नहीं, उन्होंने कहा भारत के लिए नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने जो है बात बहुत साफ से कही कि जो अब चीज़ें हो रही है उनकी इन्फॉर्मेशन हम आप एक दूसरे को गैदर करेंगे, उसके ऊपर बातचीत भी हुई। उसके बाद लगातार जो अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से में जो है करीबन मेरे ख्याल में 8 या 9 विजिट जो हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं उनकी यहां पर हुई लगातार हो रही है। और अभी भी जो अभी प्रधानमंत्री जी गए उससे लगातार 20 दिन की जो लगातार मीटिंग हुई उसमें भी इस बात के लगातार जिक्र हुआ कि जो देश 2017 की जब हम बात कर रहे हैं कि 2017 से जितने भी जो फॉरेन में जो असेट्स हैं जो पैसा है जो चीजें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय की निजी तौर पर गोपनीयता रखते हुए देश को पता होनी चाहिए, उस चीज में उसकी जो चीजें हैं वो उसकी चीज में होनी चाहिए। दूसरी मतलब सहमत हुई है एक बैंक खाता धारक की गोपनीय सूचनाएं दी जाए जिनको भारत आकर सार्वजनिक कर पाएगा। देखिए उसमें जो है 2 चीजें बड़ी साफ सुथरी उन्होंने बताया कि जिन लोगों से हमारे पुराने एग्रीमेंट्स थे जिन लोगों से पुरानी एग्रीमेंट्स थे जिनके अकाउंट्स खुले हुए हैं उसमें उन सरकारों के द्वारा जो है एग्रीमेंट्स थे कि वो जो है खातेदारों से पर्सनल एग्रीमेंट किए हुए थे कि भाई उनके जो है डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने बहुत सीधी सी बात की कि स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ जो टैक्स इन्फॉर्मेशन साझा करने वाला जो एग्रीमेंट था जो स्विट्जरलैंड ने लोगों से कर रखा है, कनाडा से कर रखा है, जापान से कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया से कर रखा है, वैसा का वैसा एग्रीमेंट साइन करने की बात जो है इस यात्रा के अंदर हो रही है। और शायद उनको लगता है कि उसमें उम्मीद है कि जो है वो साझा करके संबित पात्रा को मैं भंवर सिंह जी आज सुबह सुन रहा था, उन्होंने श्याम कृष्ण वर्मा जो कि कच्छ के क्रांतिकारी थे उनका 2003 का घटना का जिक्र किया जब उनका इंतकाल वहां स्विट्जरलैंड में हो जाता है, नरेंद्र मोदी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए वहां से उनकी अस्थियां लेकर पहुंचते हैं, कहते हैं कि इसी तरह का घटनाक्रम अब 2016 में मोदी जी दोहराएंगे और काला धन लेकर आएंगे। देखो बीजेपी के इस दावे पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जुमलेबाजी जो है ये 5 साल तक चलती रहेगी जनता को डाइवर्ट करना। मैं आप एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप ही से और बीजेपी के साथियों से कर रहा हूँ। 13 लाख करोड़ रुपया भारतीय जो बैंकों का है वो हमारे देश के पूंजीपतियों ने डुबा रखा है। आज हमारा वित्त मंत्री उनके नाम पार्लियामेंट में बताने को तैयार नहीं, तो किसके नाम बताएंगे लोग? भारतीयों के नाम जिन 13 लाख करोड़ रुपए इन्होंने डुबा के खा रखे हैं उनके नाम बताने की इनकी हिम्मत नहीं है। इनके वित्त मंत्री की, वित्त मंत्री कहता अगर नाम बता दूंगा तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। शांति देखिए जो चीजें हैं जो अमाउंट है जो एनपीए अकाउंट है सुरेश जी और सूरज जी, रुकिए सुरेश जी और सूरज जी रुकिए। पंकज जी क्या आपको लगा गलत क्या था? मैं कह रहा हूँ और सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास। हाँ देखिए देखिए अश्विनी जी आप स्टेटमेंट क्या लगा आप लगातार बोलने दीजिए सुरेश जी बोलने दीजिए। आज आप हर एक कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी जिनकी बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी लगातार आप चैनल के ऊपर देखिए कि किस आदमी की डेट्स जो है बड़े हुए हैं। लगातार आप देखिए कि जेपी इंडस्ट्रीज का बड़े बड़े जो डेट्स इनके थे लगातार सरकार छोड़िए चैनल ने कहा चैनल ऐसे लोगों के नाम बताने के लिए तैयार है जो कि बैंक करप्ट है। नहीं नहीं बैंक ने लिख रखे हैं, बैंक ने लगा रखे नाम। नहीं नहीं देखिए फाइनेंस मिनिस्टर को जरूरत ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर को जरूरत ही नहीं है। चलिए भारत भारत आप बताइए, भारत आपके पास आ रहा हूं मैं, आप बता दीजिए भारत आप बता दीजिए कि क्या अंदर छुपा काला धन इन्हीं लोगों का है उद्योगपतियों का? सुरेश जी और पंकज जी, सुरेश जी आ रहा हूँ भंवर सिंह जाऊंगा अपने पास। सुरेश जी आने दीजिए भारत का चांस है। सुरेश जी बोले दीजिए। जनता को गुमराह करने से कुछ नहीं, सुरेश जी जनता से वादा किया था आपने कि 100 दिन के अंदर काला धन देश में लाएंगे। 100 दिन के मैं भरत आऊंगा अपने पास, ब्रेक ले रहे, ब्रेक की बात तुरंत करते हैं, बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। आखिर गर्मा गर्म बहस के पीछे वजह क्या? 50 साल में वर्तमान भारत का भ्रष्टाचार पे जो अंकुश लगाने की बात है वो कतई नहीं हुआ है। देश हित की जो बातें हैं ये जो लूटने में लग रहे हैं लोग
वहाँ कहीं भी अंकुश नहीं लगा, सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से और लूटने का प्रयास कर रहे हैं लोग। सूर्य यात्रा किसी प्रकार की धन वापसी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किन किन का पॉलिटिशियन का पैसा है, कोई बता ही नहीं पा रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण में। और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती बढ़ोतरी होती जा रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है।